माजी परराष्ट्रमंत्री आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झालं. त्यांना दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुषमा स्वराज यांना किडनीचा आजार होता, मात्र रात्री त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची माहिती दिली. एक्सटर्नल अफेअर्स ऑफ इंडिया. नमस्कार सभापति जी, सबसे पहले तो मैं विदेश मंत्री लाइचेक को यूएनजीए के 72वें सत्र के सभापति चुने जाने के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देती हूं. हमारे लिए ये गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि हम विदेश मंत्रियों में से ही एक विदेश मंत्री आज इस उच्च आसन के लिए चुना गया है. सभापति जी, मैंने पिछले वर्ष भी सभा को संबोधित किया था. इस एक वर्ष के अंतराल में संयुक्त राष्ट्र में और दुनिया में अनेक परिवर्तन हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव चुने गए हैं और वो संयुक्त राष्ट्र को एक सशक्त संस्था बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों का हम स्वागत करते हैं और उन्हें परिवर्तन के एक पुरोधा के रूप में देखते हैं. सभापति जी, आज का विश्व अनेक संकटों से ग्रस्त है. हिंसा की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, आतंकवादी विचारधारा आग की तरह फैल रही है, जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है, समुद्री सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है. विभिन्न कारणों से अपने देशों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन वैश्विक चिंता का विषय बन गया है. विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है. बेरोजगारी से त्रस्त युवा अधीर हो रहा है और पक्षपात से पीड़ित महिलाएं समान अधिकारों की मांग कर रही हैं. परमाणु प्रसार यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का विषय पुनः सिर उठा रहा है और साइबर सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है. इन संकटों में से बहुत से संकटों का समाधान करने के लिए हमने वर्ष 2015 में वर्ष 2030 तक का एजेंडा तय किया था. उसके दो वर्ष बीत गए, 13 वर्ष बाकी है. यदि 13 वर्षों में वास्तव में हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यथास्थिति से बाहर निकलना होगा. यथास्थिति बनाए रखते हुए हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते और इसलिए हमें अपने निर्णय प्रक्रिया में तेजी लानी होगी और कठोर फैसलों का साहस जुटाना होगा. मुझे प्रसन्नता है कि भारत ने इस संदर्भ में बहुत अभिनव पहल की है. बड़े बड़े साहसिक निर्णय लिए हैं और टिकाऊ विकास के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाएं बनाई हैं. गरीबी को दूर करना टिकाऊ विकास का पहला लक्ष्य है. सभापति जी, गरीबी को दूर करने के दो रास्ते होते हैं. एक रास्ता है हम उनका सहारा बने और हम उन्हें उनका हाथ पकड़कर चलाएं. दूसरा रास्ता है कि हम उन्हें ही इतना सशक्त कर दें कि उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता ही न रहे, वो अपना सहारा आप बन जाएं. भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी निवारण के लिए दूसरा रास्ता चुना है और इसीलिए वो गरीबों का सशक्तिकरण करने में जुटे हैं. हमारी सारी योजनाएं गरीब को शक्तिशाली बनाने के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया. योजनाएं तो अनेक हैं किंतु समय की कमी के कारण मैं केवल तीन योजनाओं का ही संक्षेप में उदाहरण देना चाहूंगी. सबसे पहली है जनधन योजना, जिसके अंतर्गत हमने विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है. जिन गरीबों ने कभी बैंक का द्वार नहीं देखा था,
ऐसे 30 करोड़ लोगों को हमने बैंक के अंदर पहुंचाया, उनके बैंक खाते खुलवाए, और जिनके पास पैसा नहीं था उनका जीरो बैलेंस से बैंक खाता खुला है। दुनिया में किसी ने सुना नहीं होगा कि एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है मगर पासबुक है बैंक की। ये जो असंभव चीज दिखती थी वो भारत ने संभव करके दिखाई है। 30 करोड़ लोग, छोटा आंकड़ा नहीं है, अमेरिका की समूची आबादी है 30 करोड़, लेकिन 30 करोड़ लोगों को हमने मिशन मोड में बैंक से जोड़ने का काम किया। कुछ लोग अभी बचे हैं किंतु कार्य जारी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य 100% को इससे जोड़ना है। दूसरी योजना है मुद्रा योजना, जो फंडिंग फॉर द अनफंडेड के लिए चलाई जा रही है, यानी जिसे कभी बैंक से कर्ज नहीं मिला केवल उसी को इस योजना के अंतर्गत कर्ज दिया जाता है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस योजना के अंतर्गत 70% से ज्यादा ऋण केवल महिलाओं को दिया गया है। सभापति जी, बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है, इसलिए स्किल इंडिया योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कौशल देने के बाद मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना और स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण देकर हम उन्हें स्वरोजगार के काबिल बना रहे हैं। तीसरी योजना है उज्ज्वला योजना। सभापति जी, गरीब महिलाओं के लिए रोज रोज रसोई का ईंधन जुटाना एक बहुत कष्टदायक प्रक्रिया है, और उसके बाद उस धुएं से उनकी आंखें दिन रात अंधी होती चली जाती हैं। इन दोनों पीड़ाओं से मुक्त करने के लिए उज्ज्वल योजना के अंतर्गत हम गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नोटबंदी जैसे साहसिक फैसले ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय ने एक राष्ट्र और एक टैक्स की कल्पना को साकार किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता जैसे विषयों पर जोर देकर और स्वच्छ भारत अभियान चलाकर भारत एक सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मैं यहां ये अवश्य कहना चाहूंगी कि समर्थ देश तो अपने बलबूते पर इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन छोटे और अविकसित देशों की मदद हम सबको करनी होगी। इसलिए इन एसडीजीज में ग्लोबल पार्टनरशिप का सिद्धांत रखा गया था। उस सिद्धांत के अनुरूप हम सभी उनकी मदद करें ताकि छोटे देश भी 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत ने इस वर्ष इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड की शुरुआत की है। सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे, लुक हुई स्टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहां खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को शांति और दोस्ती की विदेश नीति विरासत में दी थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शांति और दोस्ती की नीति विरासत में दी या नहीं थी, ये तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। उन्होंने सारे रुकावटों को पार करते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, किंतु कहानी बदरंग किसने की, अब्बासी साहब इसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। वो यहां खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की बात भी कर रहे थे, पर क्या उन्हें याद नहीं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत हम दोनों देशों ने यह निर्णय किया है कि हम आपसी मसलों को इकट्ठे बैठकर के हल करेंगे,
किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। सभापति जी, सच्चाई तो यह कि पाकिस्तान के सियासतदानों को याद तो सब कुछ है, लेकिन अपनी सुविधा के कारण वो उसे भूल जाने का नाटक करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात भी की। मैं उन्हें याद दिला दूं कि 9 दिसंबर 2015 को हार्ट ऑफ एशिया के सम्मेलन के लिए जब मैं इस्लामाबाद गई थी तो उनके नेता और उस समय के वजीर आजम नवाज शरीफ की सरपरस्ती में नए सिरे से डायलॉग शुरू करने का फैसला हुआ था और उसे नया नाम भी दिया गया था। नाम था कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल डायलॉग। बायलेटरल शब्द सोच समझ कर डाला गया था ताकि कोई संदेह, कोई शक शुबा, कोई डाउट रही ना जाए और यह निश्चित हो जाए कि बातचीत केवल दोनों देशों के बीच में होनी है, किसी तीसरे की मदद लेकर नहीं। लेकिन वो सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसके लिए भी अब्बासी साहब जवाबदेह आप हैं, मैं नहीं। सभापति जी, आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर यह सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए, पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर ए तैयबा बनाया, आपने जैश ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है, वो भी उनके गिरफ्त में है। सभापति जी, UNGA के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने शाम को राइट टू रिप्लाई मांगा हो और एक साथ उसे 3-3 लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ा हो, 3-3 देशों को जवाब देना पड़ा हो। ये अकेला तथ्य पाकिस्तान की करतूत को दर्शाता है। मैं कहना चाहूंगी, पाकिस्तान वालों, जो पैसा आप आतंकवादियों की मदद के लिए खर्च कर रहे हो, अगर उसे अपने अवाम की भलाई के लिए खर्च करो, अगर अपने मुल्क की तरक्की के लिए खर्च करो, तो एक तो दुनिया का आतंकवाद से पीछा छूट जाएगा और साथ ही आपके अवाम का कल्याण हो सकेगा, आपके मुल्क का विकास हो सकेगा। सभापति जी, संयुक्त राष्ट्र आज जिन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है उसमें से सबसे प्रमुख है आतंकवाद। भारत आतंकवाद का सबसे पुराना शिकार है, लेकिन मुझे याद है जब हम आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते थे तो विश्व के बड़े बड़े देश उसे कानून व्यवस्था का मामला कहकर खारिज कर देते थे। लेकिन आज जब आतंकवाद चारों ओर पैर पसार रहा है तो अब सब देश इसकी चिंता करते हैं। लेकिन मुझे लगता है समय आ गया है जब इस विषय पर हमें अंतर्मुखी होकर सोचने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हम सभी देश
बायलेटरल डिस्कशंस में, द्विपक्षीय वार्ताओं में, मल्टीलेटरल फोरम्स में, बहुपक्षीय मंचों से जब भी संयुक्त वक्तव्य ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं तो सभी में आतंकवाद की भत्सना करते हैं और उससे लड़ने की एकजुटता का संकल्प भी लेते हैं, किंतु सच्चाई ये है कि एक रस्म बन गई है जिसे हम निभा देते हैं। किंतु वास्तव में जब उस संकल्प को पूरा करने का समय आता है तो कुछ देश अपने अपने हितों को सामने रखकर फैसले लेते हैं। ये सिलसिला अनेक वर्षों से चल रहा है और यही कारण है कि 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित सीसीआईटी पर आज तक संयुक्त राष्ट्र निर्णय नहीं ले सका। सीसीआईटी की सभी धाराओं पर सहमति बन गई, अगर नहीं बनी सहमति तो एक धारा पर, और वो है आतंकवाद की परिभाषा। मैं कहना चाहूंगी, परिभाषा ही तो जड़ है जिसमें से अच्छे और बुरे आतंकवादी का अंतर निकलता है। अगर परिभाषा पर एक राय नहीं बनेगी तो हम एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे? अगर मेरे और तेरे आतंकवादी की दृष्टि अलग अलग हो जाएगी तो हम एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे? यदि सुरक्षा परिषद में टेररिस्ट की लिस्टिंग पर भी मतभेद उभर आएंगे तो हम एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे? इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से आज मेरा इस सभा से विनम्र अनुरोध है कि हम अलग अलग नजरियों से आतंकवाद को देखना बंद करें, हम समदृष्टि बनाएं और स्वीकारें कि आतंकवाद समूची मानवता के लिए खतरा है। कोई भी कारण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिंसा का औचित्य नहीं बन सकता। इसलिए अगर हम एकजुटता से लड़ने का संकल्प लें तो उसे माने भी, और अगर माने तो उसे अमली जामा भी पहनाए। और मैं चाहूंगी कि इस वर्ष सीसीआईटी की परिभाषा पर सहमति बनाकर हम इस साल अवश्य में सीसीआईटी को पारित कर दें। सभापति जी, एक संकट मैंने जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया था। जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पेरिस समझौते की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यह प्रतिबद्धता किसी लोभ या लालच के कारण नहीं है, किसी भय या डर के कारण नहीं है। ये प्रतिबद्धता हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति के कारण है, और इस विषय में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ओर से एक अभिनव पहल करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है। सभापति जी, हम समूचे विश्व में शांति की कामना करते हैं, और जब ये कामना करते हैं तो केवल प्राणियों की शांति की कामना नहीं करते, हम पृथ्वी की शांति की कामना करते हैं, हम अंतरिक्ष की शांति की कामना करते हैं, हम वनस्पति की शांति की कामना करते हैं, और हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। क्योंकि प्रकृति को जब नष्ट किया जाता है तो वह अशांत होकर विरोध जताती है, और यदि विनाश को न रोका जाए तो रौद्र रूप धारण करके सर्वनाश कर देती है। कभी भूकंप, कभी झंझावात, कभी भयंकर वर्षा, कभी बाढ़ और तूफान, सभी माध्यमों के जरिए ये प्रमाण सामने आते रहते हैं। हाल ही में आ रहे हरिकेन्स, सभापति जी, मात्र एक संयोग नहीं है। जिस समय संयुक्त राष्ट्र में विश्व का समूचा नेतृत्व इकट्ठा है, उस समय प्रकृति द्वारा दी गई ये चेतावनी है। सम्मेलन शुरू होने के चंद दिन पहले से ही हार्वे और इरमा जैसे हरिकेन आने शुरू हो गए, और सम्मेलन के दौरान भी मेक्सिको में भूकंप आया, डोमिनिको में हरिकेन आया। हम इस चेतावनी को समझें और बैठकों में केवल चर्चा करके ना उठ जाएं, बल्कि संकल्पशीलता से आगे बढ़ें, और विकसित देश अविकसित देशों की मदद के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करें, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ियों को सर्वनाश से बचा सकें। सभापति जी, हम विश्व की अनेक समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो संस्था इन समस्याओं के समाधान के लिए बनी है वो स्वयं भी तो समस्याग्रस्त है। अभी कुछ दिन पहले 18 तारीख को संयुक्त राष्ट्र के सुधारों के विषय में यहाँ एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें मैं भी उपस्थित थी। उस बैठक में मंच से किए गए भाषणों में सुधारों से ना होने के कारण वेदना झलक रही थी, और सुधार करने के लिए संकल्पशीलता भी दिख रही थी। किंतु मैं याद कराना चाहूंगी कि वर्ष 2005 में जब विश्व सम्मेलन हुआ था तो ये तय किया गया था कि जब भी संयुक्त राष्ट्र के सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो सबसे पहले यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार का काम प्रारंभ किया जाएगा। सुरक्षा परिषद के सुधारों के संबंध में
पिछले सत्र में टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन के प्रयास शुरू किए गए थे और 160 से अधिक सदस्यों ने इसके लिए समर्थन भी व्यक्त कर दिया था। यदि हम इस विषय पर गंभीर रूप से चर्चा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन का एक टेस्ट अवश्य ही होना चाहिए। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगी कि विदेश मंत्री लाइचेक को टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन प्रारंभ करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी और मैं आशा करती हूं कि उनके सभापतित्व में यह विषय एक प्राथमिकता बनेगा ताकि बाद में हम इसे उनकी एक उपलब्धि के रूप में गिन सकें। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी हम सबको बहुत उम्मीदें हैं। गुटेरेस जी, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के ढांचे में सुधार करना चाहते हैं तो आपको यूएन पीसकीपिंग से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करना होगा। यूएन पीसकीपिंग में सुधार के बिना ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा। सभापति जी, विषय तो अनेक हैं, पर इस मंच से बोलने के लिए समय कम है, इसलिए मैंने विषय प्रारंभ में ही गिना दिए थे। वैसे भी जो विषय इस सभा के लिए चुना गया है वो है लोगों के द्वारा सभ्य जीवन जीने और शांतिपूर्वक जीवन जीने की व्यवस्था। ये विषय संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के भी अनुरूप है और ये विषय मेरे देश की संस्कृति के भी अनुरूप है। सभापति जी, मेरे देश की संस्कृति पूरी वसुधा के लोगों के सुखों की कामना करने वाली संस्कृति है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है और इसीलिए हम केवल अपने सुख की कामना नहीं करते, हम सर्व के सुख की कामना करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं और जिस मंत्र के माध्यम से सबके सुख की कामना करते हैं उसी मंत्र का उच्चारण करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। वो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, जिसका अर्थ है सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी अपने इर्द गिर्द अच्छा ही अच्छा देखें, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो। धन्यवाद। I thank the Minister for External Affairs of India for her statements. I would like now to give the floor to Her Excellency Sushma Swaraj, Minister for External Affairs of India. You have the floor, Excellency. नमस्कार, माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको संयुक्त राष्ट्र के आम सभा के 73वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर अपनी ओर से तथा अपने देश की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक महिला होने के नाते मुझे आपके चुनाव पर व्यक्तिगत तौर पर भी गर्व महसूस होता है और आपका चुनाव मुझे ये भी याद दिलाता है कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष भारत से ही चुनी गई थी। सन 1953 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र के 8वें सत्र की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अध्यक्ष जी, इसके बाद मैं 72वें सत्र के अध्यक्ष श्री लाइजेक के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने 72वें सत्र का संचालन बहुत सुचारू रूप से किया था। अध्यक्ष जी, आज सुबह बहुत अशुभ समाचार मिला है। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी दोनों त्रासदी एक साथ आई हैं। मैं आज इस मंच से अपने देश भारत की ओर से इंडोनेशिया की सरकार और वहां के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और इसके साथ ही इस त्रासदी का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देती हूं।
अध्यक्ष जी, संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय मंच है, जहां दुनिया के सुख दुख साझे किए जाते हैं, जहां अविकसित तथा कम विकसित देशों की सहायता के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जहां विश्व को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2015 में हमने वर्ष 2030 का एजेंडा निर्धारित करते हुए टिकाऊ विकास के लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रचना की थी। उसी समय से यह कहा जा रहा है कि यदि भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा तभी हम सफल हो पाएंगे, वरना हम फेल हो जाएंगे। आज इस मंच से मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि भारत आपको कभी फेल नहीं होने देगा। वर्ष 2030 के एजेंडा तथा टिकाऊ विकास के 17 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस गति और जिस पैमाने पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य शुरू किया है, हम समयावधि से पहले ही इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। इस संबंध में भारत में जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी एक झलक के रूप में मैं कुछ योजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, विश्व की सबसे बड़े आर्थिक समावेश की योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है जनधन योजना। इसके अंतर्गत 32 करोड़ 61 लाख ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं जिन्होंने पहले कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था, और अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली राशि सीधे उन खातों में डाल दी जाती है, जिसके कारण गरीब को पूरा पैसा मिलने लगा है और बीच का भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। इसी तरह भारत में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। इसी सप्ताह 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि उनकी बीमारी के इलाज के लिए दी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में यह योजना क्रांतिकारी साबित होगी। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ एक प्रार्थना की जाती है जिसमें हम कहते हैं सर्वे संतु निरामया, यानी सब निरोगी हों, ये योजना उस कामना की पूर्ति करेगी। इसी तरह बेघरों को घर देने के लिए विश्व की सबसे बड़ी आवास योजना हमने चलाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 2,95,00,000 आवास शहरी और ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे, ताकि 2022 तक हर गरीब के पास अपना घर हो, कोई भी बेघर न रहे। और अभी तक 53,50,000 मकान बनाए जा चुके हैं। इसी तरह बेरोजगार लोगों को स्वरोजगारी तथा उद्यमी बनाने के लिए कौशल विकास योजना के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण देकर और मुद्रा योजना के माध्यम से काम शुरू करने के लिए ऋण देकर दो प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ मैं विशेष रूप से ये उल्लेख करना चाहूंगी कि मुद्रा योजना के अंतर्गत 14,09,00,000 लोगों को ऋण दिया गया है, जिसका 76% महिलाओं को दिया गया है। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है कि यदि गरीबी का उन्मूलन करना है तो सबसे पहले महिलाओं का सशक्तिकरण करना होगा। मैंने जितनी योजनाओं का उल्लेख किया है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, और कुछ अन्य योजनाएं केवल महिलाओं को ही लाभ देने के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, मातृत्व अवकाश योजना। पिछली बार मैंने इसी मंच से उज्ज्वला योजना के विषय में उल्लेख किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। मातृत्व अवकाश योजना यानी मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम, इसके अंतर्गत भारत में कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए 26 हफ्तों की छुट्टी वेतन सहित दी जाती है। अध्यक्ष जी, एक महिला होने के नाते आप इस योजना से महिलाओं को मिलने वाले लाभ को आसानी से समझ सकती हैं। हम सबको जानकारी है कि कुछ विकसित देशों में वेतन सहित 6 हफ्तों की छुट्टी प्राप्त करने के लिए महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, लेकिन भारत ने वेतन सहित 26 हफ्तों का
मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लागू कर दिया है। अध्यक्ष महोदया, सन 2022 में आजाद भारत 75 वर्ष का हो जाएगा और आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। वो भारत कैसा होगा? वो भारत होगा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, विकसित भारत और ऊर्जावान भारत, शक्तिमान भारत। हम बहुत तेज गति से इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वर्ष 2022 तक ये संकल्प सिद्धि में बदल जाए, इसका पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, विश्व आज जिन चुनौतियों से जूझ रहा है उसमें जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के सबसे बुरे परिणाम अविकसित और कम विकसित देश भोग रहे हैं, जिनमें अपने बचाव की ना सामर्थ्य है और ना क्षमता है। इसलिए जिन विकसित देशों ने प्रकृति का विनाश करके अपना विकास किया है, वो आज अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। यदि हम विश्व को जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचाना चाहते हैं तो बड़े देशों को छोटे देशों की सहायता के लिए आगे आना ही होगा। पेरिस समझौते में कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के सिद्धांत को दोहराते हुए इस सत्य को स्वीकार किया गया है। इसीलिए विकसित देशों को छोटे देशों के लिए राशि भी देनी चाहिए और तकनीक भी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए पेरिस समझौते के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। अब इस गठबंधन में 68 देशों ने सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी वर्ष 11 मार्च को हमने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की सह अध्यक्षता में इस गठबंधन का स्थापना सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 120 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी तो वन सन वन ग्रिड की भी संकल्पना कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि हम सबका सूर्य एक है तो ग्रिड भी एक ही क्यों ना हो जाए। यदि ये संकल्पना पूरी हो गई तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एक प्रभावी माध्यम बनेगी। अध्यक्ष जी, मैंने दूसरी प्रमुख चुनौती कही थी आतंकवाद। 20वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि 21वीं सदी में शांति और समृद्धि का युग प्रारंभ होगा, किंतु 9/11 की न्यूयॉर्क की घटना और 26/11 की मुंबई की घटना ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज आतंकवाद का राक्षस कहीं धीमी गति से तो कहीं तेज गति से विश्व के हर देश तक जा पहुंचा है। भारत तो कई दशकों से इसका दंश भोग रहा है और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है। इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहां पनाह देकर उसे छिपा के रखा हुआ था। ये तो अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है अध्यक्ष जी, कि उन्होंने ओसामा को वहां खोज निकाला। और ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है कि उन्होंने उन्हें वहीं मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पे झेप न माथे पे शिकन, जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही ना। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जारी है। 9/11 का मास्टरमाइंड तो मारा गया, किंतु 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है,
रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है, लेकिन एक बात संतोष की है कि दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया है, और इसीलिए एफएटीएफ ने टेरर फंडिंग के लिए, आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने के लिए पाकिस्तान को निगरानी सूची में रख दिया है। अध्यक्ष जी, हम पर एक आरोप लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। ये पूरी तरह असत्य है। हमारा तो मानना है कि दुनिया के जटिल से जटिल मुद्दे केवल बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं और सुलझाए जाने चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान के साथ अनेक बार वार्ता शुरू की गई है, वार्ताओं के अनेक दौर भी चले हैं, लेकिन हर बार उनकी हरकतों के कारण ही वार्ता रुकी है। भारत में अनेक राजनीतिक दलों की सरकार केंद्र में बनी है। हर सरकार ने यह कोशिश की कि बातचीत के द्वारा हमारे विवाद सुलझ जाएं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही सार्क के सभी नेताओं को आमंत्रित करके सरकार बनने से पहले ही ये शुरुआत कर दी थी। 9 दिसंबर 2016 को स्वयं मैंने इस्लामाबाद जाकर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की शुरुआत कर दी थी, किंतु मात्र 3 हफ्ते बाद 2 जनवरी की रात को पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया गया। आप ही बताएं अध्यक्ष जी, उस माहौल में बातचीत आगे कैसे बढ़ सकती थी। अभी भी पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह इच्छा जताई कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा। हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन चंद घंटों बाद यह खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया। क्या ये हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं? और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है, और क्या मुलाकात होनी चाहिए? आए दिन पाकिस्तान हम पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है। अध्यक्ष जी, मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तो आतंकवादी करते हैं, जो निर्दोष लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। लेकिन पाकिस्तान किनकी पैरवी करता है? वो पैरवी करता है मारने वालों की, और जो मारे जाते हैं उन पर चुप्पी साध लेता है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना, गलत तस्वीरें दिखाकर मानवाधिकार के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाना पाकिस्तान की आदत बन गई है। ये घटना अध्यक्ष जी इसी सभागार में घटी थी, और पुरानी नहीं, पिछले वर्ष घटी थी, जब पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने राइट टू रिप्लाई का उपयोग करते हुए अपने उत्तर में एक दूसरे देश की तस्वीर दिखाकर भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन की तोहमत लगाई थी। अध्यक्ष महोदया, पिछले 5 वर्षों से लगातार इस मंच से भारत कहता आ रहा है कि केवल एक सूची या दूसरी सूची में आतंकवादियों का नाम रख देने से मसला हल नहीं हो जाएगा। जब तक हम आतंकवादियों को किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की गिरफ्त में नहीं लाएंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। भारत ने 1996 में CCIT का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था। आज तक वो प्रस्ताव अटका हुआ है, और अटकने का केवल एक कारण है कि हम आतंकवादी की परिभाषा पर सर्वसम्मति नहीं बना पा रहे। ये विडंबना है कि हम आतंकवाद से लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी कौन है इसे परिभाषित भी नहीं कर पाते। उस बुराई से हम कैसे लड़ेंगे अध्यक्ष जी, जिसकी परिभाषा हम तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं, और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकालकर उन्हें महिमा मंडित करती है। अध्यक्ष जी, ऐसे कृत्यों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कब तक चुप बैठकर देखते रहेंगे? ऐसे करतूतों की कब तक हम अनदेखी करते रहेंगे? यदि इन हरकतों को कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आतंकवाद का ये दानव पूरी दुनिया को निगल जाएगा और इस दावानल में पूरा विश्व जल जाएगा। इसलिए आज मैं आपसे पुनः अपील करती हूँ, इस मंच से आप सबको अपील करती हूँ कि आतंकवाद की परिभाषा पर सर्वसम्मति बनाकर जल्दी से जल्दी हम CCIT को पारित करें। अध्यक्ष जी,
अब मैं संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। मैंने प्रारंभ में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया के देशों का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन अब मैं एक और वाक्य इसके आगे जोड़ना चाहती हूं कि धीरे धीरे इस मंच का महत्व, इसका प्रभाव, इसकी गरिमा और इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस क्षण के चलते कहीं हमारा हश्र भी लीग ऑफ नेशंस जैसा ना हो जाए। लीग का पतन इसीलिए हुआ था क्योंकि वो सुधार के लिए तैयार नहीं हुआ। हम कम से कम वो गलती न करें। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता है और उससे भी पहले सुरक्षा परिषद के सुधार में आवश्यकता है, और यह सुधार दिखावे के लिए नहीं बल्कि ऐसे सुधार हों जो दिल और दिमाग में बदलाव लाए। आज सुरक्षा परिषद दूसरे विश्व युद्ध के 5 विजेताओं तक ही सीमित है। क्या इसे आज के युग के अनुकूल माना जा सकता है, जब भारत समेत विश्व का अधिकांश हिस्सा उपनिवेशवाद की गिरफ्त में था? उस समय की बनाई गई सुरक्षा परिषद क्या आज के विश्व की चुनौतियों को समझ पा रही है? मुकाबला करना तो दूर, जो चुनौतियां हैं वो उसकी समझ से परे हैं। इसलिए मेरी अपील है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, इस सत्र में एक विषय जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और सभी नेता बोल रहे हैं वो है मल्टीलेटरलिज्म, यानी बहुपक्षीय व्यवस्था। इस व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उससे बहुत देश चिंतित हैं। मैं भी इस विषय में अपनी ओर से भारत का मत रखना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदया, भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखता है। कुटुंब का अर्थ है परिवार, फैमिली, और वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, ग्लोब। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है वी आर अ ग्लोबल फैमिली, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, विश्व एक परिवार है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र को भी परिवार के तर्ज पर चलाया जाना चाहिए। परिवार किन सिद्धांतों पर चलता है? परिवार प्यार से चलता है, व्यापार से नहीं। परिवार मोह से चलता है, लोभ से नहीं। परिवार संवेदना से चलता है, ईर्ष्या से नहीं। परिवार सुलह से चलता है, कलह से नहीं। इसलिए हमें ये कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को परिवार के सिद्धांत पर ही चलाना होगा। संयुक्त राष्ट्र मैं, मेरा और मुझको कहकर नहीं चलाया जा सकता। अध्यक्ष जी, ये मंच हम, हमारा और सबको के लिए बना था, और उसी सिद्धांत पर चलाया जाएगा तो जीवित बच सकेगा। भारत नहीं चाहता कि इस मंच से कुछ देशों के ही हित साधने के निर्णय लिए जाएं या कुछ देशों का अहित करने की दृष्टि से निर्णय लिए जाएं। हमें सबका सहयोग लेकर सबके विकास के निर्णय लेने होंगे। अध्यक्ष जी, इस वर्ष हम महात्मा गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। गांधी जी का प्रिय भजन था, वैष्णव जनतो तेने कहिए जो पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जोए मन अभिमान न माने रे। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर महसूस करता है वही अच्छा इंसान है, और जो दूसरे का निवारण करता है दुख का लेकिन मन में अभिमान की भावना नहीं लाता वही अच्छा इंसान है। अध्यक्ष महोदया, इस मंच को हमें वैष्णव जन का मंच बनाना है। जो मंच अविकसित देशों की पीड़ा को समझे और विकसित देशों के माध्यम से उनकी पीड़ा को कम करने का कार्य करे, अभिमान की भावना से नहीं, पीड़ितों के कल्याण की भावना से करे, अहंकार की भावना से नहीं, उपकार की भावना से करे, तभी हम ऐसे विश्व की रचना कर पाएंगे जिसमें सद्भाव हो, सौहार्द हो, शांति हो, प्यार हो, और जो विश्व हिंसा से मुक्त हो, आतंकवाद से मुक्त हो और तनाव से भी मुक्त हो। ऐसे विश्व की कामना करते हुए मैं संस्कृत के एक श्लोक के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। इसका अर्थ है सबका शुभ हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता प्राप्त हो,
सबका मंगल हो, सबका ही कल्याण हो। विश्व कल्याण की इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। I thank Her Excellency Sushma Swaraj, Minister of External Affairs of India, for her statement. And I now give the floor to His Excellency Walid Al-Mualem, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates from the Syrian Arab Republic. You have the floor, His Excellency. माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, विश्वास मत पर जो चर्चा आज प्रधानमंत्री जी के बहुत संक्षिप्त भाषण से शुरू हुई, वो मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय जसवंत सिंह जी के धारदार तर्कों से आगे बढ़ती हुई, विभिन्न आयामों को छूती हुई मुझ तक पहुंची है। मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। हर वक्ता ने चर्चा की शुरुआत जनादेश की व्याख्या करते हुए की। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। सबको मैं उम्मीद करूंगी कि कल प्रधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। अध्यक्ष जी, जनादेश की जो व्याख्या चाहे आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या यह दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराएं और कितने शकुनी कर सकते हैं? हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। Man, don't make your speech so interesting. अध्यक्ष जी, रामराज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान ने उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई, हिंदुस्तान ने उस दिन सुराज्य की नींव पड़ गई। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ कह उठे थे, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। Thank you.
लगता है कि वो अन्याय कर रहा है। अन्याय तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा, यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर, हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं, हाँ, हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन का की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने के लिए। अध्यक्ष जी, ये सच्चा है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले अध्यक्ष जी, आप तो साक्षी हैं। क्या व्यवस्था? सर, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझको मंदिर जाने से रोका गया। और क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है भाई, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। चलिए अध्यक्ष जी, मैं दलितवती देवी जी की जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर का शिलान्यास एक हरिजन से करवाया था। अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी ये सेकुलर है, ये कांग्रेस जन दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेस जन सेकुलर है, और आप बिहार के साक्षी हैं। अध्यक्ष जी, मुस्लिम और यादव का छोड़ बैठा है, माई की राजनीति करने वाले ये जनता दल वाले सेक्युलर। हाँ क्या सभापति जी, मैं नहीं जानता कि सदन में कितने अध्यक्ष काम कर रहे हैं। मैं केवल आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई सदस्य अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को ये अनुमति देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सकें। मैं नहीं जानता किस रोष में ये लोग बोल रहे हैं। आपसे बहुत से रोष वालों को मैंने देखा है, ये रोष उनको नहीं दिखा है। इसलिए मैं तो सभापति जी को ये कह रहा था, जब सुषमा जी बोल रही हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए, और जिनको उत्तर देना हो उनको उत्तर देना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बचाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि हम सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है,
एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं। अध्यक्ष जी, आज से पहले तो केवल हिंदुत्व पर प्रश्न लगाया जाता था, हिंदुत्व शब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे, लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आंखें दबदबा गई जब इस सदन में भारतीयता शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। आज से पहले तो कहते थे इंडियन नेशनलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया, मैं तो बहुत कद्र करती हूँ मुरारी मारन जी के, लेकिन उन्होंने कहा वी आर डिफरेंट, आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारत भारतीय भारतीयता क्या होती है। मुझे था शायद इनमें से कोई बोलेगा, एक उम्मीद चंद्रशेखर जी से जरूर थी, पता नहीं क्यों कौरवों की सभा के भीष्म पितामह की तरह आप भी मौन साधे रहे। अध्यक्ष जी, मैं अपने मित्र मुरारी मारन जी से बहुत अदब से ये कहना चाहूंगी, भारतीयता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अरे भारतीयता का अर्थ यही है कि भंगड़े से भरतनाट्यम तक सारे नृत्य भारतवर्ष के नृत्य हैं। भारतीयता के माने ये हैं कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षिण के इडली डोसे तक सारे आहार भारतवर्ष के आहार। भारतीयता का अर्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सारे तीर्थ भारतवर्ष के तीर्थ हैं। आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या मायने हैं? अध्यक्ष जी, एक संस्कृति के मायने यही हैं कि शिव का भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामेश्वरम के पैर पखाड़ता है। यह एक संस्कृति का कारण हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जन्मे हुए एनसी चटर्जी अपने बेटे का नाम सोमनाथ रखते हैं। यही है एक संस्कृति, यही है संस्कृति। मुझे संस्कृति का उदाहरण कहीं शब्दकोशों में देखने की जरूरत नहीं है, वो इस सदन में परिलक्षित होती है। लेकिन अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है, ये इकट्ठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारण, ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण। जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सांप्रदायिकता के नाम पर हुई हुई साझेदारी नहीं है। अध्यक्ष जी, ये चारा कांड और हवाला कांड की साझेदारी इशारा समझना चाहिए मैं किसकी साझेदारी की तरफ जिक्र कर रही हूँ। अध्यक्ष जी, ऐसे ही नहीं हुआ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक शब्द करप्शन के पेंडिंग केसेस के बारे में नहीं, ये ऐसे ही हो गया। आखिर चार लोग बैठे, सारी चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफोर्स गायब है, सेंट किट्स गायब है, JMM गायब है, शुगर स्कैंडल गायब है, PSU डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम गायब है। अरे जिनका ढिंढोरा पीट के चुनाव में गए थे, नरसिंह राव एपिटोम ऑफ करप्शन की चार्जशीट निकालकर चुनाव में गए थे, आज उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं। और यूरिया स्कैम के ऊपर कहते हैं प्रधानमंत्री, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोई बचेगा नहीं, केवल मुक्के मारकर कह देने से ये नहीं होगा। अध्यक्ष जी, आचरण क्या बोलता है ये देखने वाला है। आज भी यूरिया स्टैम में अक्सर पकड़े गए हैं, लेकिन दोनों के रिश्तेदार अभी नहीं पकड़े गए। 5 दिन का समय दिया गया, आखिर क्यों? इसलिए मैं कहती हूँ ये साझेदारी
सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं हुई है, ये साझेदारी एक दूसरे को माफ करने के सिद्धांत के नाम पर की गई है। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं रामविलास पासवान कहते हैं ये सरकार चलेगी, आज यहाँ कहा जाता है ये सरकार चलेगी नहीं दौड़ेगी, पांच साल तक रहेगी। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे नेता ने तो नहीं कहा, बयान तो पहला बीजू पटनायक का आया, बीजू पटनायक का आया पहला बयान, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट, किस घटक के हैं वो, भाजपा के, बुद्धदेव भट्टाचार्य का बयान आया, हाँ वो ये क्या बुद्धदेव आचार्य का बयान आया, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट फॉर सिक्स मंथ, ये किस घटक के हैं, भाजपा के अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मुझे करेक्ट करने की क्या जरूरत है, पहली स्टेटमेंट छपी उसका जिक्र मैंने कर दिया, डिनायल इन्होंने किया इसका जिक्र मैंने कर दिया, दोनों चीज रिकॉर्ड पर आ जाएंगे। नरसिंह राजू के हवाले से कहा गया कि चुनाव के लिए 7 महीने से 1 साल के बीच में तैयार रहना चाहिए, ये बयान भाजपा की तरफ से तो नहीं आया, इतने अंतर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है, क्या सांझे नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव में, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सांझे आगरा बीजू पटनायक जी, क्या सांझे आदरणीय बीजू पटनायक जी आप में और जेबी पटनायक में, इधर एड्रेस करिए आपने, अध्यक्ष जी, सुषमा जी आप इधर एड्रेस करिए, चारे और खाद के अलावा क्या सांझे रामलखन सिंह यादव और लालू यादव में, क्या सांझे ममता बनर्जी और सोमनाथ चटर्जी में, मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंडी महिलाओं के सम्मान का सौदा करके नारायण दत्त तिवारी मुलायम सिंह की बगल में क्यों बैठे, सभी राज के हितों की अनदेखी करके करुणानिधि ने देवे गावड़ा को नेता क्यों स्वीकार किया, अपने घरों की पीड़ा भूल ममता जी, अपने घरों की पीड़ा भूलकर आप सोमनाथ जी के साथ मतदान कैसे कर रही हैं, ठीक है। ममता जी आपको बोलना है, इसके लिए एडवांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए, ठीक है, आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लीजिएगा, उनको बोल लेने, मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं नाम क्यों ले रही हूँ, मुझे वो दृश्य जस्ता तस याद है, मेरी आंखों में बसा हुआ है, मैं राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में बैठी थी, इसी सदन में नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था, मैं वहां से बैठी देख रही थी, एक व्हील चेयर के ऊपर ममता जी को लाया गया था, यही बैठी थी वो, चोटों से आए बुखार के कारण कांप रही थी, बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उठाया था, वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्युनिस्टों की हिंसक प्रवृत्ति को कोस रही थी, मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं, लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं, हम उनके विरोध के अधिकार को स्वीकृति देते हैं, हम उनकी आवाज को गैर करने के लिए उन पर हमला नहीं करते, इसलिए पूछना चाहती हूँ ममता जी से आज, कई सदन में सीपीएम के साथ बैठकर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीति करेंगी, ये कैसी सांझ है ममता जी, ये कैसा गठबंधन, अध्यक्ष जी मैं जिक्र कर रही थी कि केवल व्यक्तियों में अंतर विरोध नहीं है, जो कार्यक्रमों में अंतर विरोध झलकता है वो तो माशाल्लाह, जब इनका प्रोग्राम आया मिनिमम प्रोग्राम, मैंने उसको आदि से अंत तक पढ़ा, एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया, ये हो नहीं सकता, मैंने उसको दोबारा पढ़ा और पढ़ने के तुरंत बाद मेरे मुंह से निकला, वहां भारत के कम्युनिस्ट साथियों, तुमने लेनिन से येल्सिन तक का सफर एक ही सप्ताह में पूरा कर लिया, अध्यक्ष जी कोलिशन के कंस्ट्रेंट्स तो मैं समझ सकती हूँ, कोलिशन के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मजबूरियां होती हैं, कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है, कुछ चीजों में साझेदारी करनी पड़ती है,
मगर कोई शीर्षासन करके कलाबाजी खा जाएगा इसकी उम्मीद नहीं। अध्यक्ष जी, इसमें लिखा है इंश्योरेंस सेक्टर निजीकरण उसका कर दिया जाएगा और फॉरेन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा। मैं तो हैरान हुई क्योंकि एक साल पहले की बात मुझे जस की तस याद थी। कहां गए चतुरानंद मिश्र? अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं राज्यसभा में याचिका समिति की अध्यक्षा थी, कमेटी ऑन पिटिशन की चेयरपर्सन थी। हमारी समिति के सामने एक याचिका दायर की गई, एक पिटिशन प्रस्तुत की गई, जिसमें यह लिखा गया था कि LIC GIC इंश्योरेंस सेक्टर को जो प्राइवेटाइज करने की एक सिफारिश मल्होत्रा कमेटी की तरफ से आई है वो लागू न की जाए। ये थी वो पिटिशन। और मैं आपको चौंका दूं ये बात कहकर, वो पिटिशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी, एक MP को प्रस्तुत करनी पड़ती है। ये संयोग है कि चतुरानंद मिश्र राज्यसभा से मेरे साथ लोकसभा में आए हैं, दो चार दिन में शायद कैबिनेट के मंत्री भी बनने वाले हैं। वो पिटिशन काउंटर साइन की थी चतुरानंद मिश्र ने। और अध्यक्ष जी, मुझे कहा गया था कि अगर ये इंप्लीमेंट कर दी गई रिपोर्ट तो इस पिटिशन, ये पिटिशन इंफेक्टुअस हो जाएगी, इसलिए कम से कम इंटरिम डायरेक्शन गवर्नमेंट को दी जाए कि ये इंप्लीमेंट नहीं हो। पिटिशन कमेटी के अध्यक्षा के नाते मैंने सरकार को डायरेक्शन दी थी कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाए, हम बहुत जल्दी इस कमेटी की रिपोर्ट देंगे, तब तक मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशें लागू न की जाए। और इस याचिका समिति ने, इस याचिका पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाया, सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आए थे। इसमें क्या गलत कह रही हूँ अध्यक्ष जी? प्रीमियर घटक इस यूनाइटेड फ्रंट का जनता दल, जिनकी सरकार है, जिनके आप कहना चाहते हो, आप मिनिस्टर है, बोलिए। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है तो बताइए, अगेंस्ट द रूल हो तो बताइए। नहीं, यू आर मिनिस्टर ना हो। वो रेफर कर रही है एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो हाउस में ले किया जा चुका है, इसमें क्या है अध्यक्ष जी? प्रोसीडिंग नहीं, उसी को उन्होंने बताया उस प्रतिवेदन से। मैं चाहूंगी, व्हाट कैन आई डू? प्रधानमंत्री तवज्जो दें। नहीं, ये तो आजादी है, ये कोर्ट कर सकते हैं क्या? मिनिस्टर जी, नहीं, आप कोई रूल बताइए ना जिससे वो नहीं कोर्ट कर सके, मैं उनको रोक दूंगा। बताइए कोई कानून। प्राइम मिनिस्टर, मैं आपके दल की बात कर रही हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन प्लीज। मैं देवेगौड़ा जी, सोमनाथ चटर्जी और चतुरानंद मिश्र को सुनाकर दोबारा कहना चाहूंगी, मेरी पार्टी का पॉलिसी तो भारतीयों के लिए खोल दो, फॉरेनर्स के लिए मत खोलो, लेकिन आपकी पार्टी का पॉलिसी पढ़कर सुना रही हूँ। आपको तो शुड बी हैप्पी विद दिस वो प्रोग्राम। नहीं, मैं तो आपके शासन की बात कर रही हूँ, जो कलाबाजी खाई है सत्ता के अंधी दौर में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं इसको केवल ये पढ़ के बता रही हूँ कि सत्ता की दौड़ में मदहोश होकर आदमी इतनी उलटबाजी भी खा सकता है कि 50 साल तक जिन नीतियों को लेकर आपने राजनीति की है, आज वो राजनीति टोटल की टोटल, एब्सोल्यूट की एब्सोल्यूट आप छोड़ देंगे, सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुपता की दौड़ में या NTBJP स्टांस के अंदर आपको कांग्रेस के साथ बैठना है, आपको जनता दल के साथ बैठना है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अध्यक्ष जी, यहाँ सदन में ये छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर जब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, इनका कार्यकर्ता इन्हें छोड़ने नहीं देगा और ये अंतर विरोध इस सरकार को गिराने का कारण बनेंगे। रामविलास पासवान कहते, शरद यादव अभी कह रहे थे, नहीं ये सरकार तो चलेगी, नरसिंह राव जी ने आज कह दिया चलेगी। अरे भाई, नरसिंह राव तो मोहन साधे बैठे हैं, भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव ने ललिता पवार वट इज आई लिसन टू इफ इट इज हर एक्सपीरियंस अबाउट हिम माइट टू बी मैं इसलिए भाई शरद यादव से कहना चाहूंगी कि ये प्रयोग नया नहीं है। मैं भाई शरद यादव से केवल इतना कह रही थी, ये प्रयोग नया नहीं है, ये प्रयोग आपके गुरु राजनारायण जी पहले कर चुके हैं। 20 दिन के अंदर कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया था, और मेरे आदरणीय नेता चंद्रशेखर जी बैठे, 4 महीने के अंदर इनसे समर्थन वापस लिया था। आप किस आधार पर विश्वास कर रहे हैं? किस आधार? आपके विश्वास का कोई आधार होना चाहिए। इतिहास ने भी कुछ नहीं सीखा,
के लिए हर समय मौजूद है। पहली, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से भी हाथ मिलाना चाहिए, और दूसरी कहे थे डॉक्टर साहब सुधरो या टूटो। तो अध्यक्ष जी, अब तो कांग्रेस की जगह भाजपा को फ्रेम में रखकर शैतान से हाथ मिलाने की वकालत कर रहे हैं शरद जी। मगर थोड़े दिन की बात है, जब होगा सुधरो या टूटो, और होगी क्यों नहीं शरद यादव। बहुत सही बात है, 65 लाख वाले मंत्रिमंडल में और 3 लाख वाले मंडल में, तो क्यों नहीं बोलेंगे। निश्चित तौर पर चंद दिनों की बात है जब ये होगा सुधरो या टूटो। इसलिए मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, ये जो कहा जा रहा है कि सरकार 5 साल चलेगी 5 साल चलेगी, नहीं अध्यक्ष जी, दिस पोलिटिकल ऑर्केस्ट्रा विल डिस्पर्स इवन बिफोर दिस शो बिगिंस। दे आर सो यूज टू सिंगिंग देयर ओन ट्यून्स। ये जो एक सामूहिक मंडली एक समूह गीत गाने के लिए आई है, ये अपना अपना राग अलापने के लिए इतने आदी हैं कि गीत शुरू होने से पहले ये शिराजा बिखर जाएगा। लेकिन हाँ, जितने दिन ये देश आपके हाथ में रहे, ईश्वर इस देश की रक्षा करे, ये प्रार्थना करते हुए मैं विश्वास मत का विरोध करूंगा।